प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर आपको ना ऐसा क्वेश्चन डायग्राम बना दिया और कह रहे ट्रुथ टेबल बताओ कौन सा सही है इसका। ट्रुथ टेबल तब तक नहीं बन सकता जब तक आप इसका फॉर्मूला ही लिखें। फॉर्मूला क्या होगा, ये एक्स है तो ये एक्स है, ये एक्स का बार है, एक्स का बार है तो ये भी एक्स का बार है, ये वाई है तो ये वाई है, ये वाई यहाँ भी जा रहा है तो ये वाई है, ये एंड गेट है, ये क्या देगा एक्स इंटू वाई देगा, ये भी एंड गेट है, ये एक्स बार इंटू वाई देगा, ये नैंड गेट है, नैंड गेट में एक्स इंटू वाई और इंटू एक्स बार इंटू वाई का होल बार होगा, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आपने हिट एंड ट्रायल लगाना है। फर्स्ट हिट एंड ट्रायल क्या, एक एक करके ऑप्शन चेक करनी है। जैसे मान लो पहली ऑप्शन है 00, सभी के अंदर 00000000 चेक करें। अगर अपने मन में इसको 0 और 0 पुट करते हो, 0 into 0 is 0, 0 into something is 0, 0 का बार is 1, तो आंसर तो 1 आएगा। तो ये भी 1 दे रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी 1 दे रहा है। इसका मतलब हमारा ए और डी में से आंसर बनता है। फिर सेकंड चेक करेंगे 0 और 1, पर चेक करने की जरूरत ही नहीं, 0 और 1 ये 1 दे रहा है, 0 और 1 ये 1 दे रहा है, तो ये ऑप्शन चेक करने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगला ऑप्शन है 10 1 दे रहा है, 10 ये भी 1 दे रहा है, तो इसको भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है। अब 11 1 दे रहा है, 110 दे रहा है, चेक करें। अपने मन में सोचो ये 1 और 1 है तो क्या आएगा 1, यहां पे 1 का बार क्या है 0, तो 1 * 0 क्या है 0, 0 का बार क्या है, अब 0 तो नहीं हो सकता ना, 1 होगा तो ये आंसर है। समझ में आ रहा है कैसे चेकिंग करनी है आपने, फॉर्मूला बना लेना है और फिर एक एक करके ऑप्शन चेक कर करके देखना है, और ऐसे अंधाधुंध भी चेक नहीं करना कि 101 बाद में पता लगे वो भी तो वहां नहीं दे रहा है, टाइम खराब हो रहा है, तो प्लीज देख लेना दोनों में क्या कंपैरिजन होने वाला है। ठीक है यहां तक। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है, तो डायोड है, जैसे ये क्वेश्चन करवाया आज मैंने, बस मैंने 2 में करवाया, इसने 4 में ही दे दिया। ये कह रहा 4 सिग्नल हैं, डी सी बी और ए, ये 4 सिग्नल एक गेट में एंटर करवा रहा हूं, कह रहा है जो आंसर आ रहा है आउटपुट वो ये आ रहा है, ये डी सिग्नल है, ये सी है, ये बी है और ये ए है, 4 एंटर कर गए, ये आंसर आ रहा है, बोलो कौन सा गेट है। ठीक, चेक करते हैं कैसे चेकिंग होगी, अपने मन में सोचना है ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 0 है। अब 0000 अगर मैं एंड में लगाता हूं, चारों को मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 आएगा, हाँ आंसर 0 आ रहा है, हो सकता है एंड हो, नैंड नहीं हो सकता क्योंकि मल्टीप्लाई करके बार लगेगा तो आंसर 1 आएगा, नहीं हो सकता छोड़ दो, ये नॉट भी नहीं हो सकता, नॉट तो मैं तो इनपुट ही यही होती है, 4 कहां से होगी, छोड़ दो। क्या बच गया और क्या होता है, सबको ऐड करो, 0+0+0+0 विल गिव 0, हो सकता है तो आंसर और या एंड में से। फिर अगला इनपुट चेक करो, 1 0 0 और 0, अगर मैंने मल्टीप्लाई करूं 1 × 0 × 0 × 0 आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर क्या आ रहा है लेकिन 1, इसका मतलब ये एंड गेट नहीं हो सकता। हाँ ऐड करूंगा 0+0+0+1 आंसर 1 आना चाहिए, तो फिर ये कौन सा गेट हुआ, और गेट, आंसर और गेट है। तो समझ में आ रहा है कैसे चेकिंग करनी है, अपने मन में हिट एंड ट्रायल पुट कर करके देखना है इसमें। ठीक, जैसे ये लो कह रहा है ये ट्रुथ टेबल है, बोलो कौन सा गेट है, ये सबसे 0 और 1 देख के क्या बताओगे, तो चेक करो और गेट का ट्रुथ टेबल साइड पे लिखो, मैच करो, क्या ये बात बन रही है, और गेट एडिशन करता है ये ऐड करके, हाँ ठीक है डन, शुक्र है ए ऑप्शन आंसर आ गया, और गेट ही मैच कर गया, नहीं करता तो नैंड करते, नहीं करता तो एंड करते, नहीं करता तो नॉर करते, कुछ तो आंसर आता। ठीक, जैसे ये है, वो कह रहा है टू गेट एन आउटपुट ऑफ 1, यानी कि मुझे हर हालत में आउटपुट क्या चाहिए 1, तो क्या इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले इसका फॉर्मूला बनाओ, ए और बी विल गिव ए प्लस बी, ये क्या है सी, ये क्या है एंड गेट, तो आंसर क्या आएगा ए प्लस बी इंटू सी। एक एक करके ऑप्शन पुट करेंगे, पहले फर्स्ट ऑप्शन ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, तो चेक करें ये 0, ये 0 और ये 1, आंसर इज 0, नहीं गलत बात, सही नहीं है। तो नेक्स्ट ये चेक कर लेते हैं, चलो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 और सी की वैल्यू कितनी है 1, बात बन रही है 1 × 1 1, आंसर आ गया, पुट कर करके देखना है। समझ में आ रहा है कि लॉजिक गेट्स का काम कैसे चलेगा इसमें। ठीक,
देखो सपोज ये सिग्नल है इनपुट, और एक बार इसमें पुट करना है, एक बार इसमें डालना है, पहले यानी कि पी में एंट्री करनी है और दूसरे में एन में एंट्री करनी है, तो एक केस में फॉरवर्ड बायसिंग होगी, एक में रिवर्स होगी। तो पहले केस में ऊपर का सिग्नल बाहर आएगा, नीचे का ब्लॉक हो जाएगा, और दूसरे में नीचे का आ जाएगा, ऊपर का ब्लॉक होगा। तो आंसर पता है क्या आएगा? पहले का आंसर ये है, दूसरे का ये है, क्योंकि एक में फॉरवर्ड बायसिंग में ऊपर वाला पास हो जाएगा, रिवर्स में नीचे वाला पास हो जाएगा। आंसर पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?